और दोस्तों बताओ, सब हाल चाल ठीक ठाक है ना यार? संस्कृत बहुत दिन से नहीं देखे हैं, मतलब चैनल में तो अभी तक संस्कृत देखे ही नहीं। चलो तब संस्कृत का थोड़ा बात कर लेते हैं। आज हम लोग जानेंगे कि संस्कृत में क्या क्या चीज़ को पढ़ना है और क्या क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है। इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें सारा चीज़ पता चल जाएगा कि संस्कृत के लिए कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। यार बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना जिसको तुम फालतू में याद कर लेते हो, वो एग्ज़ाम में आता ही नहीं। और ये जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ना यार, ये CBSE का ऑफिशियल वेबसाइट का चीज़ है, इसलिए इस पर कभी शक मत करना। ये क्लास 10th के लिए है, क्लास 9th वाले भी इसमें देख सकते हैं। जो PDF रहेगा वो उसमें क्लास 9th का भी रहेगा, उसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। यार अभी मैं कुछ देर में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करने वाला हूँ, उससे पहले मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि देखो यार, तुम्हारे एग्ज़ाम में 40 मार्क्स का तो सिर्फ MCQ क्वेश्चन आएगा। क्या बात, अरे भैया सच बात, 40 नंबर का खाली MCQ क्वेश्चन रहेगा। उस MCQ क्वेश्चन में वही ग्रामर रहेगा और फिर तुम्हारे चैप्टर का वन वर्ड क्वेश्चन टाइप वाला रहेगा, हैचिंग फिल ब्लैंक्स यही सब रहेगा। बाकी 40 मार्क्स रहेगा ना, उसमें पैसेज रहेगा, पत्र रहेगा, मतलब पत्र लिखा हुआ रहेगा, उसके बीच बीच में फिलना ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा, उसको भरना रहेगा। उसके बाद एक चित्र दिया हुआ रहेगा, उसका वर्णन करना रहेगा। पैराग्राफ सब भी आ सकता है, सेंटेंस का अन्वय करने भी आ सकता है यार, और ट्रांसलेशन आता है। ट्रांसलेशन तो आता ही है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ रहता है, उसको तुम्हें संस्कृत में ट्रांसलेट करना होता है। अभी मैं तुम्हें सिलेबस को समझाने वाला हूँ कि तुम्हारा जो ग्रामर सेक्शन है, तो ग्रामर सेक्शन में क्या क्या चीज़ पढ़ना है। उस सिलेबस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, डाउनलोड करने भी बता दूँगा, ठीक है? देखो यार, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 40 अंक का MCQ क्वेश्चन आएगा और फिर 40 अंक का लिखने वाला क्वेश्चन आएगा। तो 40 अंक में क्या क्या आएगा हम लोग नीचे जानेंगे। ऊपर व्याकरण लिखा हुआ है और नीचे तुम्हारा किताब का जो भी है क्वेश्चन आंसर को छोड़ के। क्वेश्चन आंसर यार आता ही नहीं है, आज तक जितना भी मैंने एग्ज़ाम देखा है ना, सिंपल पेपर भी जितना भी देखा है, तुम्हारे किताब के कहानी का क्वेश्चन आंसर नहीं आता है। हाँ वो बात अलग है कि पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उस पैराग्राफ का क्वेश्चन आंसर आ सकता है, मतलब पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा पैसेज टाइप से और उसके नीचे उसका क्वेश्चन आंसर आ सकता है, लेकिन ऐसे ही कहानी का क्वेश्चन आंसर तो मैंने नहीं देखा अभी तक। तो चांस कम ही रखो, और नहीं आता यार, कहाँ से आएगा वो। मतलब तुम्हारे किताब से क्या पढ़ना है, क्वेश्चन आंसर जो रहेगा ना उसको छोड़ के बाकी जितना भी रहेगा तुम्हारे किताब में, मैचिंग फिल ब्लैंक्स MCQ टाइप क्वेश्चन और बहुत चीज़ रहता है यार, अभी कैसे बताऊँ, तो उस सारा चीज़ को पढ़ना है, ठीक है? उसके बाद ग्रामर में क्या क्या चीज़ पढ़ना है चलो हम लोग अभी जानेंगे। संधि, समास, संधि में भी क्या क्या संधि पढ़ना है सब हम लोग जानेंगे। समास उमास प्रत्यय इधर वाच्य सब जितना भी दिया हुआ है यार सबका भी हम लोग जानेंगे, बस थोड़ा सा वीडियो में बने रहो। संधि समास प्रत्यय यहाँ पर जो जो लिखा हुआ है सबको हमें पढ़ना है। यहाँ पर बगल में लिखा हुआ है कि संधि कितना नंबर का आएगा, यहाँ पर 4 नंबर का लिखा हुआ है। उसके नीचे समास 4, प्रत्यय 4, ये सब 4-4 नंबर का, उसके बाद नीचे 3-3 नंबर का है, तो ये सब आएगा। चलो नीचे देखते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ यार तुम पढ़ के भी समझ सकते हो, इतना समझदार तो हो ही, 10 क्लास में हो यार, क्या बात करते हो। अच्छा तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एगो हमारा गद्यांश आएगा। गद्यांश मतलब समझते हो भाई, पैसेज को ही गद्यांश कहते हैं। तो गद्यांश 10 नंबर का रहेगा ना, तो 10 नंबर में भी कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा वो भी बता दिया है यहाँ पर। अति लघु उत्तरम, एकदम शॉर्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक सेंटेंस में लिखने वाला क्वेश्चन, उसके बाद शीर्षक लिखने वाला, यार शीर्षक मतलब टाइटल होता है ना, पैसेज का टाइटल लिखना है। हाँ तुम्हें क्वेश्चन देख के पता चल जाएगा, ऐसे ही पता तो नहीं चल रहा है क्या आएगा। अच्छा उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र। यार यहाँ पर पत्र दिया हुआ रहेगा, उसमें बीच बीच में फिल ब्लैंक्स दिया हुआ रहेगा, उसको तुम्हें भरना रहेगा। भाई भरने नहीं सकोगे, क्या बात करते हो। नीचे क्या है, चित्र, मतलब चित्र दिया हुआ रहेगा, उसके बारे में लिखना है, और अनुच्छेद भी लिखना है, मतलब चित्र और अनुच्छेद दोनों ऑप्शन में रहेगा, चित्र का वर्णन करो या फिर कोई टॉपिक दिया हुआ रहेगा उसके बारे में अनुच्छेद लिखो, ठीक है? यहाँ पर निबंध, उसी को बोल रहा है अनुच्छेद को ही। उसके बाद नीचे क्या है, यहाँ पर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आएगा यार, हिंदी और संस्कृत दोनों में दिया हुआ रहेगा। नहीं यार मैं भी क्या बोल दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, तुम्हें समझ के उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। आगे देखते हैं भाई, सब समझ में आ रहा है ना, सब समझ में आएगा यार, क्या टेंशन लेते हो। चलो नीचे देखते हैं,
नीचे और एगो गद्यांश, मुझे लगता है ये वाला गद्यांश ना तुम्हारे किताब से आएगा। नीचे पद्यांश, पद्यांश उसके नीचे नाट्यांश, ये भी गद्यांश टाइप का होता है, थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये तुम्हारे किताब से भी नहीं हो सकता है। पद्यांश और नाट्यांश जो दिख रहा है ना, ये तुम्हारे किताब से नहीं भी हो सकता है ना। उसके बाद नीचे अन्वय बोले थे ना यार, अन्वय आएगा ही आएगा, ये दे रहा अन्वय। उसके बाद घटनाक्रम अनुसार वाक्य लिखना है, मतलब यार देखो तुम्हारे किताब का कोई भी कहानी को उठा लो, उसमें से 8-10 को सेंटेंस दिया हुआ रहेगा, ऊपर नीचे दिया हुआ रहेगा, आगे पीछे दिया हुआ रहेगा, उसको तुम्हें घटनाक्रम के अनुसार सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके नीचे कौन सा सेंटेंस आएगा, उसके नीचे कौन सा सेंटेंस, उसे तुम्हें बताना है। यार ये तुम्हारे बुक से ही आता है ना, इसलिए बुक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, बाकी तुम सजा लोगे आराम है। यहाँ पर मार्किंग स्कीम भी दिया हुआ है, कैसे कैसे तुम्हारा मार्क्स जोड़ाएगा। ये देखो यार यही मेन चीज़ है, इसी को तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ। व्यंजन संधि में यहाँ पर दिख रहा है ना, कई को संधि दिख रहा है, यहाँ पर तो दुवे को संधि दिख रहा है यार। हाँ तो ये दुवे को संधि आएगा लेकिन शक लगता है भाई दुवे को संधि, अच्छा ज़्यादा ही पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है, ये जरूरी थोड़े ना है कि जो जो आ रहा है उसी को पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लेंगे। अच्छा विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में यहाँ पर बाप रे बाप कई को संधि है, 2-3-4 चार गो है ना, चार गो है, कोमा कोमा बहुत दिख रहा है, हमको लगा बहुत ज़्यादा संधि है, चार गो संधि है, चारों संधि को इसका सारा वीडियो बनाऊंगा यार, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, इसका सारा वीडियो मैं बनाऊंगा, एक नंबर समझा दूंगा, सब समझ में आ जाएगा, क्या बात करते हो। चार नंबर का प्रत्यय आएगा, उसके बाद क्या है वाच्य, वाच्य है कर्तृकर्म क्रिया, इसे वाच्य, वाच्य भी तीन नंबर का आएगा। समास, समास भी आएगा, उसके नीचे क्या है, यहाँ पर जो जो दिया हुआ है बस इतना ही आएगा, इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा, ये ध्यान रखना, मैं बताना ही भूल गया, यहाँ पर जो जो दिया हुआ है ना यार बस इतना ही से आएगा, इतना ही चीज़ को तो पढ़ना ही है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। भैया तुम पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, क्या बात करते हो, कितना एक्सप्लेन करेंगे यार, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। यहाँ पर जो जो पॉइंट दिया हुआ है वही वही आएगा, जैसे कि संधि में हम लोग दो को व्यंजन संधि देखे, वही दो व्यंजन संधि को पढ़ना है, उसके बाद स्वर संधि चार को देखे वही को पढ़ना है, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, ऐसा ही सब में है, जो जो यहाँ पर दिया हुआ है बस वही आएगा। यार जब तुम उस लिंक को क्लिक करोगे ना तो तुम सीधे इस पेज में आ जाओगे, तो यहाँ पर देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, सेकेंडरी क्यूरिकुलम क्लास 9-10, तो बस यही वाला पर इस पर क्लिक करना है। चलो हम लोग क्लिक करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या आता है। देखो यार हमने यहाँ पर क्लिक किया तो लैंग्वेज ग्रुप एल ये वाला सेक्शन में जाना है, इसमें जाओगे तो नीचे 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 करते जाना, यहाँ पर जो संस्कृत लिखा हुआ है ना बस इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे फाइल मैनेजर में डाउनलोड हो जाएगा संस्कृत का पीडीएफ, और उस पीडीएफ में ऊपर क्लास 9th का है और नीचे क्लास 10th का है, थोड़ा स्क्रॉल करना, ऐसा मत समझना कि क्लास 9th का पीडीएफ है यार, वही सिलेबस है, और एक चीज़ और वही सिलेबस है, उसके बाहर से कुछ मत पढ़ना, तैयारी भी उसी से करना, एग्ज़ाम में उसी से आएगा, और ये फाइनल एग्ज़ाम का है ना, फर्स्ट टर्म जो एग्ज़ाम होता है ना यार, ये तुम्हारे स्कूल की तरफ से कराया जाता है, तो ये सिलेबस को फॉलो करेंगे कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो तुम्हारा फाइनल एग्ज़ाम रहेगा बोर्ड एग्ज़ाम, तो बोर्ड एग्ज़ाम में यही सब आएगा, ठीक है। तो चलो भाई अगर तुम्हारा किताब पुराना है ना तो थोड़ा ध्यान देना, तुम्हारा पुराना किताब में ना यहाँ का दो गो चैप्टर नहीं होगा, अगर नया किताब है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पुराना किताब है तो यहाँ से दो गो चैप्टर तो नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ, यहाँ से मैं इसे चेक किया हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ। तो नया किताब भी ले सकते हो, और तुम्हारा मन उसका चॉइस तुम्हारा है, बाकी सब तो तुम्हारा काम है, जो मैं बताना था वो बता दिया, बाकी इधर क्या है, कुछ नहीं है, पढ़ भी सकते हो। यार कुछ दिन बाद से संस्कृत का वीडियो भी बनाना चालू करेंगे और इस चैनल में अपलोड करेंगे, एकदम मस्त से सब चीज़ समझा दूंगा, तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, क्लास स्टार्ट होगा, बढ़िया से देखना। भाई एक चीज़ मैं बता देता हूँ, मैं कहानी नहीं पढ़ाऊँगा ना, ग्रामर बताऊँगा, कि कहानी भी बताना होगा, थोड़ा बताना तो यार नीचे कमेंट सेक्शन में।